जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में चमगादड़ की पांच रहस्यमयी बातों को जानेंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। आज की कहानी से बहुत प्रेरणाएं आपको प्राप्त होंगी, इसलिए इस कहानी को स्वयं भी सुने और अपने बच्चों को भी सुनाएं, क्योंकि यह कहानी आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही प्रेरणादायक साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि चमगादड़ अंधेरे में और खंडहर में क्यों रहते हैं, वह अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं रहते। दोस्तों, आज इस रहस्य को हम लोग जानेंगे कि आखिर चमगादड़ के जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे चमगादड़ अंधेरी गुफा में रहने लगा। चमगादड़ किसी अन्य पक्षी के साथ नहीं रहते। आपने भी देखे होंगे, चमगादड़ हमेशा अन्य पक्षियों से अलग रहकर जीवन बिताते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। इस कहानी से आप बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है वह अपने परिवार और समाज से कभी दूर नहीं रह सकता, और ना ही ऐसे व्यक्ति के घर में कोई विपदा आती है जिससे उसे अपना सर झुकाना पड़े, और ना ही उसके परिवार के ऊपर कोई ऐसा कलंक लग सकता है जिसके कारण उसे अपना सर झुकाना पड़े। दोस्तों, इस कहानी के अंत में चमगादड़ पांच ऐसी बातों को बताती है कि जो भी इन पांच बातों पर अमल करता है वह हमेशा समाज में अपना सर उठाकर बात कर सकता है। फिर वह चमगादड़ की भांति कभी किसी खंडहर या गुफा में अपना जीवन व्यतीत नहीं करेगा। वह व्यक्ति हमेशा अपना सर उठाकर चल सकता है। वह अपना और अपने माता पिता का हमेशा सर ऊंचा करके रखेगा, अपना और अपने माता पिता का सर कभी नीचे नहीं झुकने देगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले नए श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में हम प्रतिदिन नई नई कहानियाँ लेकर आते रहते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक और प्यारी सी कहानी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक जंगल के पास एक ऋषि का आश्रम था जहाँ पर सभी पशु पक्षी दाना पानी करने के लिए आते थे। वह ऋषि सभी पशु पक्षियों को बड़े प्रेम से दाना पानी देते थे। वह ऋषि पहले पशु पक्षियों को दाना पानी कराते, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। सभी पशु पक्षी एक साथ मिलकर बड़े ही प्रेम से भोजन करते थे। किसी भी पशु पक्षी को कभी एक दूसरे से कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं थी। सभी पशु पक्षी एक साथ बैठते थे, भाईचारे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी पशु पक्षी दिन की शुरुआत ऋषि के आश्रम में ही आकर करते थे। उसके बाद सभी पशु पक्षी अपने अपने जगह पर चले जाते थे। दिन भर अपना भोजन पानी अलग अलग स्थानों में जाकर किया करते। उसके बाद शाम होते ही सभी पशु पक्षी अपने यथा स्थान पर पहुंच जाते, और जब सुबह होता तो सभी प्रातःकाल पुनः ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंच जाया करते। यह प्रतिदिन का दिनचर्या बन चुका था, लेकिन एक दिन एक कुत्ता और एक कौवे का आपस में झगड़ा हो जाता है। कौवा ऋषि के आश्रम में पहुंचकर जैसे ही दाना चुगने लगता है वैसे ही एक कुत्ता कौवे पर झपटता है। दोस्तों, कुत्ता अपने सामने रखे भोजन को छोड़कर कौवे के भोजन को छीनने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, जब जिस स्थान में वह कुत्ता भौंकता वहां से उड़कर कौवा दूसरे जगह दाना पानी करने के लिए चला जाता, परंतु कुत्ता वहां भी पहुंच जाता और भौंकने लगता। अब कौवा फिर वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता। इस तरह उस कौवे का कुत्ते ने पीछा नहीं छोड़ा, और अंत में दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। कौवे ने कुत्ते से कहा, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो भाई, मैं तो अपना भोजन कर रहा हूँ, तुम भी अपना भोजन क्यों नहीं करते। परंतु दोस्तों, आपने भी देखे होंगे, कुछ कुत्ते सामने रखे भोजन को छूते तक नहीं हैं, परंतु यदि उसके सामने दूसरे को भोजन दे दिया जाए तो वह उसे छीनने की कोशिश जरूर करता है। कुत्ते में आज भी यह गुण विद्यमान है। जब कौवे के बार बार समझाने पर कुत्ता नहीं माना,
तो दोनों में झगड़ा होने लगा। जो ऋषि उन्हें खाना देते थे उन्होंने भी दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उनकी बात नहीं माने। अंत में दोनों में विवाद प्रारंभ हो गया। विवाद ज़्यादा बढ़ जाने पर दोनों अपने अपने बिरादरी के लोगों के पास पहुँचे। कौवा अपने बिरादरी के सभी पक्षियों के पास पहुँचा और कुत्ता भी अपने समाज के सभी पशुओं के पास पहुँच जाता है। दोस्तों, एक तरफ से कुत्तों की टोली चढ़ाई करती है तो एक तरफ से कौओं की सेना चढ़ाई करती है। कुत्ता अपने दल के साथ आता है और कौवा अपने दल के साथ आता है। एक तरफ से पक्षियों की सेना आती है तो दूसरे तरफ से पशुओं की सेना। इस तरह पशुओं और पक्षियों में जोरदार झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना भयंकर और भीषण होने लगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जंगल में जितने पशु पक्षी थे वह सभी आपस में युद्ध कर रहे थे। कौवे की तरफ से जंगल के सभी पक्षी युद्ध कर रहे थे तो वहीं कुत्ते की तरफ से जंगल के सभी पशु युद्ध कर रहे थे। दोस्तों, पशु पक्षियों का युद्ध चल रहा था तभी चमगादड़ का एक झुंड उड़ता हुआ वहां आता है, जो युद्ध को देखकर वहीं एक जगह पर रुक जाता है। सभी चमगादड़ आपस में बात करने लगते हैं कि हम तो ना पशुओं की तरफ हैं और ना ही पक्षियों की तरफ। हम पूरी तरह से पक्षी भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पंख पक्षियों की तरह देखने में तो है परंतु हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं पाते, इसलिए हम अपने आप को पक्षी भी नहीं मानते। इसके बाद सोचते हैं यदि हम पशुओं की तरफ से लड़े तो हम पूरी तरह पशु भी नहीं हैं। दोस्तों, जब पशु पक्षियों में भयंकर युद्ध हो रहा था तो वहाँ चमगादड़ आते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। वह ना तो पशुओं की तरफ शामिल होते हैं और ना ही पक्षियों की तरफ। उसी समय चमगादड़ों का मुखिया अन्य सभी चमगादड़ों से कहता है, आप सभी लोग हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। हम सब उसी दल में शामिल होंगे जो दल जीतने वाला होगा, और जो दल हार जाएगा उसमें हम कभी भी शामिल नहीं होंगे। जीतने वाले चाहे पशु हों या पक्षी, हम उसी के साथ शामिल हो जाएंगे। यही बात को लेकर सभी चमगादड़ एक सुरक्षित स्थान पर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे युद्ध समाप्त होने का इंतजार करने लगते हैं कि जो भी दल जीते हम उसी में शामिल हो जाएं। दोस्तों, पशु और पक्षियों में भयंकर युद्ध चल रहा था। अब एक समय ऐसा आता है जब पक्षी हारने लगते हैं और पशु जीतने लगते हैं। उसी समय चमगादड़ों का समूह सोचता है, अब पक्षी हारने लगे हैं और पशुओं की जीत हो रही है, यही उचित अवसर होगा कि हम लोग भी पशुओं में जाकर शामिल हो जाएं, क्योंकि पक्षियों की हार लगभग निश्चित हो चुकी है और पशु जीत भी रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को भी पशुओं में जाकर शामिल हो जाना चाहिए। यही सोचकर सभी चमगादड़ उड़ान भरते हैं और पशुओं में जाकर शामिल हो जाते हैं एवं पशुओं की तरफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब पशुओं की शक्ति और भी बढ़ चुकी थी क्योंकि चमगादड़ भी उनके साथ हो गए थे। पक्षी धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे थे। उसी समय आसमान से बाज का एक बहुत बड़ा दल आता है और पक्षियों की तरफ से लड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों, बाज को तो आप लोग भी जानते हैं, वह अपने से कई गुना ज्यादा वाले पशुओं का भी शिकार कर लेते हैं। अब बाज का दल अपने से लगभग 20 गुना वजन वाले पशुओं तक को पकड़ पकड़ कर मारने लगे। धीरे धीरे बाजों के प्रहार से सभी पशु घायल होने लगे और अंत में पक्षियों की जीत हो जाती है। अब जब चमगादड़ों ने देखा कि वह जिस तरफ से लड़ रहे थे वह दल हार रहा है तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, तो वह फिर से अपना दल बदल लेते हैं और पक्षियों में जाकर शामिल हो जाते हैं और पक्षियों की तरफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब पशु और पक्षियों का युद्ध खत्म हो जाता है और जब सभी पशु हार जाते हैं तो उनमें फिर से आपसी सुलह हो जाती है। सभी पशु कहने लगते हैं, हार हमारी ही हुई है, युद्ध में पशु भी मर रहे हैं और पक्षी भी मर रहे हैं, इसमें हम दोनों का ही नुकसान है। यह सुनकर सभी पक्षी शांत हो जाते हैं और सभी पक्षी कहने लगते हैं, अब करना क्या है, आप हमें बताओ। उसी समय ऋषि भी वहां आ जाते हैं और दोनों पक्षों में सुलह करा देते हैं, अर्थात युद्ध को समाप्त करवा देते हैं और पशु एवं पक्षी दोनों का ही आपस में पुनः मित्रता करवा देते हैं। अब सभी पशु पक्षी
पहले के ही भांति हो गए। पशु पक्षियों का युद्ध तो समाप्त हो चुका था, परंतु एक समस्या बनी थी। वह समस्या थी चमगादड़ों की। सभी पशु और पक्षी आपस में मिलकर कहते हैं, यह जो दल बदलने वाले चमगादड़ हैं, इनका क्या किया जाए। दोस्तों, ऋषिवर युद्ध को समाप्त करवा चुके थे। उसी समय सभी पशु और पक्षी मिलकर एक निर्णय लेते हैं कि इस तरह दल बदलने वाले चमगादड़ों को हम कभी भी समाज में शामिल नहीं होने देंगे। इन चमगादड़ों का हम सभी मिलकर बहिष्कार करेंगे। दोस्तों, उसी समय से सभी पशुओं ने और पक्षियों ने मिलकर चमगादड़ों का बहिष्कार कर दिए। चमगादड़ों के साथ उठना बैठना, बातें करना, उड़ान भरना सब कुछ बंद कर दिए। चमगादड़ों को समाज से बहिष्कृत कर दिए। तब सभी चमगादड़ अपने सर को झुका करके एक अंधेरी गुफा में बैठ गए, क्योंकि अब वह अपना शक्ल दिखाना भी अच्छा नहीं समझते थे। दोस्तों, यह आज के समय में भी होता है। यदि कोई किसी का बहिष्कार कर दे तो उस इंसान को झुककर ही रहना पड़ता है। यही हाल चमगादड़ों के साथ भी हुआ। जब सभी पशु पक्षियों ने मिलकर चमगादड़ों का बहिष्कार किए, तो चमगादड़ ऐसे स्थान में चले गए जहां उन्हें कोई देख ना सके। वह अंधेरी गुफा में रहने लगते हैं। यह घटना घटित हो जाने के बाद अनुभवों के आधार पर चमगादड़ों का मुखिया सभी चमगादड़ों को 5 बातें बताता है। पहली बात बताते हुए चमगादड़ों का मुखिया कहता है, यदि आप किसी का साथ देते हैं तो पहले ही यह निर्णय कर लें, क्योंकि यदि आप बाद में निर्णय लेते हैं तो आप धोखा खा सकते हैं। इसीलिए आप पहले ही यह सोच लो कि आपको किसका साथ देना है। यदि आप दो पक्षों के बारे में सोचेंगे तो हमारे ही तरह आपको भी समाज से बहिष्कृत होना पड़ेगा। फिर आपको भी चेहरा छुपाकर हमारी तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए किसी का साथ देने से पहले आप यह निश्चित कर लें कि आपको किसका साथ देना है और किसका नहीं, और फिर अंत तक उसी का साथ देना चाहिए। दूसरी बात बताते हुए चमगादड़ कहता है, किसी को विश्वास देकर विष नहीं देना चाहिए। जो लोग एक दूसरे को विश्वास देने के बाद विष देते हैं, अर्थात धोखा देते हैं, उनके जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि उनके जीवन का पतन हो जाता है। इसीलिए कभी किसी को विश्वास देने के बाद धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी से विश्वास की बात करते हैं तो अपने बात पर खरा उतरने की कोशिश करिए। इसके बाद तीसरी बात बताते हुए चमगादड़ कहता है कि कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे समाज के लोग आपको बहिष्कार करें। कभी ऐसा कार्य मत करो जिस कार्य से आपका, आपके समाज का और आपके माता पिता का सिर नीचा हो जाए। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले आपको सोच समझ कर उस काम को करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। चौथी बात बताते हुए चमगादड़ कहता है कि कभी भी दूसरों की तुलना अपने से मत करो और ना ही अपनी तुलना कभी दूसरों से करो, क्योंकि जो लोग ऐसी गलती करते हैं उनका पतन हो जाता है। दोस्तों, यह बात 100% सत्य है। आपको अपनी तुलना किसी अन्य से नहीं करना चाहिए। पांचवी और आखिरी बात बताते हुए चमगादड़ कहता है, इंसान के पतन होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, उसकी ना समझदारी, दुर्बुद्धि। जो लोग अपने बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बगैर सोचे समझे किसी भी कार्य को करने लगते हैं, उनका पतन निश्चित होता है। दोस्तों, चमगादड़ की इन 5 अनमोल बातों को जो व्यक्ति अपने जीवन में अमल करता है, वह अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह कहानियों को सुनते रहने के लिए ज्ञान सारांश YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।